बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, बजरंग बली की जय, बागेश्वर धाम महाराज की जय। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता असवर दीन जानकी माता। माता जानकी ने जो वरदान दिया था बजरंग बली को, संपूर्ण किया था अष्ट सिद्धि नवनिधियों से, वो है क्या? वो मैं इसीलिए बात करने के लिए आया हूं कि ये मैं बता सकूं, ये सबको जो भी हिंदू रीति रिवाज सभ्यता संस्कृति में जीते हैं, आस्था में जीते हैं, उन सबको पता है। जिन्हें नहीं पता उन्हें भी पता हो जाए कि ये जो सनातन धर्म है, जो सनातन हिंदू सभ्यता है, जो एकमात्र जीवित सभ्यता है इस धरती पे, वहां सिद्धियां होती थी, हैं और आगे भी होंगी। उन सिद्धियों को पाने वाले लोग हैं आज भी बहुत सारे हैं। तो वो अष्ट सिद्धियां कौन कौन है? माता जानकी ने हनुमान जी को दिया था, वरदान दिया था, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता बस वरदिन जानकी माता। अष्ट सिद्धियां क्या है देखिए, उनके नाम है, अष्ट सिद्धियों के नाम है, अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशुत्व और वशित्व। भारी नाम है, संस्कृत में है, हिंदी में है, उसका डिटेल है। थोड़ा थोड़ा करके मैं फटाफट सुनाता चलता हूं। अणिमा सिद्धि जो है, अणिमा सिद्धि एक ऐसी सिद्धि है जिसे व्यक्ति सूक्ष्म, बहुत छोटा रूप धारण कर सकता है। इसी सिद्धि से हनुमान जी ने माता सीता को अपना सूक्ष्म रूप दिखाया था। हनुमान चालीसा में भी इसका उल्लेख है, सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा। महिमा सिद्धि है, अणिमा के विपरीत इस सिद्धि से विशाल रूप धारण किया जा सकता है, इतना बड़ा कि सारे जगत को ढक ले, जैसे कि श्री कृष्ण का विराट स्वरूप। गरिमा सिद्धि है, इस सिद्धि से शरीर को जितना चाहे भारी बनाया जा सकता है। इस सिद्धि से ही हनुमान जी ने अपनी पूंछ को इतना भारी बना दिया था कि भीम भी उसे हिला नहीं पाए थे। लखीमा सिद्धि है, गरिमा के विपरीत इस सिद्धि से अपने आप को इच्छा अनुरूप हल्का बनाया जा सकता है, इतना हल्का जैसे कि रुई का फाहा। फिर इस रूप में वह गगनचारी बन कहीं भी, किसी भी क्षणांत में, किसी भी ग्रह पे कहीं भी आ जा सकता है। प्राप्ति सिद्धि, प्राप्ति सिद्धि है, यह सिद्धि अपनी इच्छित वस्तु की प्राप्ति में सहायक होती है। जानवरों, पक्षियों और अनजान भाषा को भी समझा जा सकता है, भविष्य को देखा जा सकता है तथा किसी भी कष्ट को दूर करने की क्षमता पाई जा सकती है। अपनी इस सिद्धि के कारण हनुमान जी परम संतोषी हुए। भगवान राम द्वारा दिए मोतियों को भी कंकर के समान माना और राम भक्ति में लीन रहे, ये है प्राप्ति सिद्धि। प्राकाम्य सिद्धि, इसको ढंग से सुनिए, इसकी उपलब्धि में इच्छा धारक इच्छा अनुसार पृथ्वी में समा और आकाश में उड़ सकता है, चाहे जितनी देर पानी में रह सकता है, इच्छा अनुरूप देह धारण कर सकता है तथा किसी भी शरीर में प्रविष्ट होने की क्षमता, वो चिड़ हुआ रहने की सिद्धि प्राप्त कर लेता है, ये है प्रकाम्य सिद्धि। सातवां है ईशुत्व सिद्धि। इस सिद्धि में व्यक्ति में ईश्वरत्व का वास हो जाता है, व्यक्ति में ईश्वर की शक्ति आ जाती है, वह पूजनीय हो जाता है। इसी सिद्धि के कारण हनुमान जी जन जन के पूजनीय हैं। आठवां सिद्धि है, यह आठवीं और अंतिम सिद्धि है। इस सिद्धि को प्राप्त करके किसी को भी अपने वश में किया जा सकता है, भयानक जंगली पशु पक्षियों इंसानों किसी को भी अपने वश में कर इच्छा अनुसार व्यवहार करवाने की शक्ति हासिल हो जाती है। हनुमान जी ने अपनी इसी सिद्धि से मन, वचन, काम, क्रोध, आवेश, राग, अनुराग को वश में कर लिया था। इन्हीं सिद्धियों ने हनुमान जी को महावीर बनाया।
अब देखिए इन आठ सिद्धियों में से बागेश्वर धाम महाराज धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के पास कौन सी सिद्धि है भाई? प्राप्त सिद्धि है। ये प्राप्त सिद्धि क्या है? यह सिद्धि अपनी इच्छित वस्तु की प्राप्ति में सहायक होती है। ठीक, जानवरों पक्षियों और अनजान भाषा को भी सिद्धि से समझा जा सकता है। भविष्य को देखा जा सकता है, किसी भी कष्ट को दूर करने की क्षमता पाई जा सकती है प्राप्त सिद्धि के अनुसार, और अपनी इसी सिद्धि के कारण संकट कटे हरे सब पीड़ा जो कहते हैं वो हनुमान जी में इस प्राप्त सिद्धि के कारण था। उनका नाम लेने से कष्ट कटते हैं, उनकी सेवा करके ही इस प्राप्त सिद्धि के कुछ अंश कुछ तत्व श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के पास है, वो सिद्ध कर दिया उन्होंने। ठीक, अब फटाफट मैं नौ निधियों की जानकारी बहुत पढ़ लेता हूं, जितना मुझे समझ में आया है उससे ज्यादा आप सब जरूर समझ पाएंगे। फिर पढ़ लेता हूं कि जो नौ निधियां हैं वो है पद्म निधि। पहला निधि है पद्म निधि के लक्षणों से संपन्न मनुष्य सात्विक गुण का होता है, उसकी कमाई संपदा भी सात्विक होती है, सात्विक तरीके से कमाई गई संपदा से कई पीढ़ियां धन्य धान्य रहती हैं। ऐसे व्यक्ति सोने चांदी रत्नों से संपन्न होते हैं, उदारता से दान भी करते हैं। पद्म निधि महापद्म निधि है कि यह भी एक तरह का सात्विक है, हालांकि इसका प्रभाव सात पीढ़ियों के बाद नहीं रहता। नील निधि है, नील निधि में सत्व और रज गुण दोनों मिश्रित होते हैं, ऐसी निधि व्यापार द्वारा प्राप्त होती है। मुकुंद निधि, मुकुंद निधि में रजोगुण की प्रधानता रहती है, इसलिए इसे राजसी स्वभाव वाली निधि कहा गया है। इस निधि से संपन्न व्यक्ति या साधक का मन विलासिता की तरफ रहता है जो एक पीढ़ी तक ही सीमित है। मुकुंद निधि। नंद निधि है कि नंद निधि में रज और तम गुणों का मिश्रण है। माना जाता है कि यह निधि साधक को लंबी आयु व निरंतर तरक्की प्रदान करती है, और ऐसी निधि से संपन्न व्यक्ति खुश रहता है, खुश होता भी है, आपको खुश रखेगा भी। मकर निधि है, मकर निधि को तामसी निधि कहा गया है। इस निधि से संपन्न साधक अस्त्र और शस्त्र का संग्रह करने वाला होता है, ऐसे व्यक्ति का राजा और शासन में दखल होता है। कच्छप निधि का साधक अपनी संपत्ति को छुपाकर रखता है, न तो वो स्वयं उसका उपयोग करता है न करने देता है, वो सांप की तरह उसकी रक्षा करता है, ऐसे व्यक्ति धन होते हुए भी उसका उपयोग नहीं करता है। और खर्ब या मिश्र निधि कहते हैं, वो मिश्रित निधि है। कुल मिला के बात है कि जो निधियां हैं नौ निधियां, उसको सिद्धियों से संतुलित किया जा सकता है। तो हमारी बुद्धि सिर्फ इतना काम करती है कि हमारी जिंदगी जो है आस्था और विश्वास से चलती है, और हमारे ग्रंथों में इसका प्रमाण है, और हमारे संत उस प्रमाण को जीते रहे हैं, सत्संग में बताते रहे हैं। संत शिरोमणि आसाराम बापू ने कई बार बताया है, और इसका एक छोटा सा स्वरूप, एक इसके छोटे से भाग को साबित किया है धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने। आप चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, और अपने इष्ट में अपने देव में अपने गुरुजनों में रमे रहिए, अपने विश्वास को कभी डिगने नहीं दीजिए। तो बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। हरिओम।